इस वक्त मैं न्यू वसाडा स्कर्दू पर मौजूद हूँ और यहाँ मेरे अकब में आप देख रहे हैं नेटको के मुलाजिमीन ने काम छोड़ हड़ताल किया हुआ है और यहाँ जो बसें खड़ी है नेटको की है और इनके मुलाजिमीन आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये सारे एहतजाज पे बैठे हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस एहतजाज की मेन वजह क्या है और क्यों एहतजाज पे है और इनका मुतालबा क्या है, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये क्यों एहतजाज पे है। जी जी भाईजान, आपका नाम बताए। और शमीम हुसैन, क्या काम करते हैं आप नेटको में? अच्छा, ड्राइवर है। तो ये हड़ताल की मेन वजह क्या है, क्यों हड़ताल पे आप? हड़ताल का मेन वजह ये है सर, एक तो हमारे नेटको में जो तनख्वाह है वो बहुत ही कम है, दूसरा इदारों के नस्बत यहाँ पे तनख्वाह बहुत कम है। लेकिन और जो कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? मेरे हो गया जी यहाँ पे 16 साल, हमारा पक्का हो के सर्विस हमारा 16 साल हुआ है। उस्ताद जी सारे इधर आए, आगे आ जाए। अच्छा, अब जो 16 साल हमारा सर्विस है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह है तो 30 से 35 हज़ार तक हमारा तनख्वाह है, और जो उसमें से भी कटौती हो के हमें जो तनख्वाह मिलते हैं 25 से 26 हज़ार हमें तनख्वाह मिलती है। ठीक, बकाये जो साल का जो हमारे तनख्वाह बढ़ते, अभी 3-4 साल से हमारा तनख्वाह बढ़ा नहीं। अच्छा, बकाये जितने इदारे में जितने मुलाजिम हैं उन सब के लिए। अच्छा, अभी जो एहतजाज आप कर रहे हैं वो तनख्वाह न मिलने की वजह से कर रही है, तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ कर रहे हैं? हमारे सबसे मेन तो ये है सर, हमारा तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, महंगाई तो रोज़ पर रोज़ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मुझे हमारा जो हमें नेटको तनख्वाह दे रहे हैं उस पर हमारा बिल्कुल भी गुजारा ना हो, ना हम उस तनख्वाह से हम स्कूल को फीस दे सकते हैं, ना हम घर में कोई नेटको की एमडी है वो कैसा है, वो आप लोगों के साथ क्या है और वो अब तक इस काम को हल करने में क्यों ना कर रहे हैं? एमडी साहब को तो ये है सर, ये यहाँ पे है, हमारा बल्तिस्तान का है, हमारे एरिया की ही है, तो एमडी साहब का फैमिली भी बहुत अच्छा है, ये लोग गरीब परवर भी है। लेकिन लिहाजा एमडी साहब के लिए भी अपना कोई मसला होगा, इस वजह से वो नहीं बढ़ा रहा है। हमारा लिहाजा गुजारिश ये है हुकाम बाला से, सीएम साहब है हमारा, अवामी नुमाइंदा है हमारा, गवर्नर साहब है हमारा, चीफ सेक्रेटरी है। ठीक है, इनसे हम गुजारिश करते हैं अगर हमारा 16 सालों में या 30 सालों में या 15 सालों में जितने आप मतलब यहाँ भर्ती हुए, 15 सालों में 16 साल आप भर्ती हैं, आपने कभी एहतजाज नहीं किया, हम आज क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आज हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म सुप्रीम में वज़ीर आज़म ने सब इदारों में तनख्वाह बढ़ाया है, तो लिहाजा जितने भी पक्के इदारे हैं इन सब में तनख्वाह बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ हम यहाँ पे नेटको वाले हैं, इनको कभी जिंदगी में कोई तनख्वाह बढ़ता ही नहीं, इतनी महंगाई रोज पर रोज बढ़ रहा है, हमारा दूसरा हमारे मुलाजिम है यहाँ, मुझे नज़र आते कुछ संदीप टोपी पे ना, आप इधर आए ना, आप कहाँ से? बिलोंग करते हैं रावलपिंडी से। आप नेटको के क्या है ड्राइवर? हम बस चलाते हैं। कितने साल से? 2003 से जी। तो कितना साल हो गया आपकी सर्विस? 18 साल हो गया। तो 18 साल से आप इसी तनख्वाह पे गुजार रहे हैं, लेकिन आज आपको कौन सा ख्वाब नजर आ गया, क्या एहतजाज से बैठे? मेरा तो अभी 22,000 तनख्वाह है। ठीक, तो अभी जब तनख्वाह बढ़ रही है तो हमें वो बढ़ने का हक भी नहीं दिया जा रहा। ठीक, इस वक्त अच्छा 22,000 आपकी तनख्वाह है, तो कैसे गुजारा किया ये इतने अरसा? बस पहले फिर भी निज़ाम चलता था, लेकिन अभी महंगाई ने हमें इस एहतजाज पे इस पे मजबूर किया है, ये तरपाल पे बैठने की। ठीक, तो पहले किस तरह मजबूर नहीं हुआ कि आप? पहले तो फिर भी चलो निज़ाम चलता था, अभी इस वक्त बिल्कुल ही हम जाम हो गए हैं। उसके बाद ये पहले चलो तनख्वाह थोड़ा टाइम पे मिलती थी, फिर भी निज़ाम चलता था, अभी 3 माह हो गए हमें तनख्वाह ही नहीं। ठीक हो गया, तो अच्छा अभी क्या मतलब आप लोगों का आगे का क्या लाइमल है कि आपके एहतजाज उठाएंगे या इधर सिर्फ तरपाल पे बैठ के आराम? नहीं, इधर ही बैठेंगे, अगर 1 माह भी नहीं होता हमारा मामला हल, अच्छा ऐसे ही बैठे। अच्छा, मुतालबा जब तक हल नहीं होता आपने इधर एहतजाज पे बैठना है, काम छोड़ हड़ताल? जी जी, ठीक है। तो नाजरीन, ये थे नेटको के मुलाजमीन, इन्होंने अपना मौकूफ दिया, इनका कहना है कि ये कहते हैं कि जब तक इनका मुतालबा हल नहीं होता ये एहतजाज से हटने वाले नहीं है, लिहाजा अरबाब अख्तियार से हमारा भी मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन गरीब मुलाजमीन का जो भी मुतालबा है वो हल करें और इनके जो चूल्हे हैं वो बुझने से बचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मंजूर अख्तर को न्यू बस अड्डा स्कर्दू से इजाज़त, अल्लाह आप और हम सब का हामी जुलाई अगस्त सितंबर से तक अगस्त तक तनख्वाह जुदा नया मिन मोहम्मद।
नया आगे ना फंड मत यो मत दो मत जर नया बहाना बद दे नई इंश्योरेंस कुन कट बेंगे जो नई तनखे ना सैलरी ना कट बेंगे तीन दूसरा अने नो माथो बा अच्छा इंश्योरेंस वालों से कितनी पेनो दिन हो कितनी माकमास कहाँ मत नई पेंशनर ताज़ा सौ भी पेंशनर कौन ला सू जो इंश्योरेंस थो बेंग मत जो जी भी चालीस सौ भी पेंशनर कौन लोग हम माथो बा वो नया सिंह बस परेशानी नई मुस्ताबिल भारी नया दो परेशानी यहाँ साल सामिन यहाँ दी लजमिन 2006 जो 17 साल जो दी ठीक इन जो ठीक सख्त परेशानी जो दो वाज बाला हुकाम नया रिक्वेस्ट जो है नया जो खबर हो सक जो ना इधर चेहरेंगे तो सी पी एफ कौन जो इन इंश्योरेंस कौन गया हजके पेंशन ही गया खबर हो जो है जो गया थोबर में गया दूसरे दिन आप अच्छी जो हेलो यार जो है हमारे दिन अच्छे हैं तो ना भी हम तो ना भी हम तीनों ये कुल परेशान